गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं Realme 11 Pro प्लस 5G का कैमरा टेस्ट। तो वीडियो पर बने रहिए और साथ साथ चैनल बने तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पे मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। सो ये कुछ सैंपल्स जो कि डिलाइट कंडीशन में जो लिया गया है, और यहाँ पर अल्ट्रा वाइड यूज़ किया गया, माइक्रोसॉफ्ट भी लिया गया है, और जो इसमें 200 मेगापिक्सल का जो OIS दिया गया है बिल्कुल काम करता है, और ये अच्छा खासा जूम होता है इसमें वीडियो। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ सैंपल जो हमारे हैं, जो आप डिटेलिंग बहुत ही अच्छा है, नाइट में भी अच्छा फ़ोटोज़ आते हैं इसमें, और देख सकते हैं नाइट फ़ोटोज़ भी हमारा अच्छा खासा आता है। और यहाँ पर नाइट फोटेज़ में आप देख सकते हैं, और अगर हम लोग बात करें अगर इसमें सेल्फीज़ कैमरा की, सेल्फी कैमरा भी बहुत अच्छा काम करता है। तो ये कुछ सेल्फी कैमरा और ये नाइट के कुछ फ़ोटोज़ हैं। सो गाइस ये जो वीडियो है हमारा 1080p 60fps पे, तो देख सकते हैं इसका स्टेबलाइजेशन हमारा कैसा है और क्वालिटी इसका कैसा आ रहा है ओवरऑल। तो मैं यहाँ चल के वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ये वीडियो है हमारा 1080p 30fps पे, तो ये इसका ऐसा क्वालिटी है। तो गाइस जो ये वीडियो जो शूट हो रहा है, ये हो रहा है 1080p 60fps पे। तो आप देख सकते हैं कैसे इसका वीडियो क्वालिटी है और इसका स्टेबलाइजेशन। तो मैं दोबारा बता दूँ इसका स्टेबलाइजेशन कैसा है। तो ये रहा इसका स्टेबलाइजेशन और इसका वीडियो क्वालिटी। तो हम लोग स्विच करते हैं 4K 30fps, जो कि इसमें 60fps तो नहीं मिलता लेकिन 30fps मिलता है। तो 30fps पे हम लोग स्विच करते हैं। तो गाइस ये है 4K का 30fps। इसका देख सकते हैं क्या है इसका क्वालिटी है, इमेज क्वालिटी और डाइनिंग रेंज देख सकते हैं। तो ऐसा आपको दिखने वाला कुछ इसका 4K का 30fps। और अगर आगे दिखा दूँ तो दिन में ऐसे ही परफॉर्म करता है 4K 30fps। तो ये ठीक ठाक परफॉर्म कर जाता है, बट नॉट दैट मच गुड। और ये डायनेमिक रेंज इसका, तो हम लोग स्विच करते हैं इसको 1080p 30fps पे। तो गाइस जो अभी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो राइट 1080p 30fps पे। तो आप देख सकते हैं कैसे इसका स्टेबलाइजेशन है और कैसा इसका कैमरा है और कैसे इसका डिटेल है। तो अगर बात करें रियर की, तो देख सकते हैं यहाँ पे रियर कैमरा है, तो ऐसा परफॉर्मेंस मिलता है हम लोग को 1080p 30fps पे। तो अगर हम लोग बात करें फ्रंट कैमरा का, तो फ्रंट हम लोग को मिलता है 32 मेगापिक्सल कैमरा। तो ये रहा है कुछ ऐसा इसका फोन कैमरा का व्यू हो गया, और आपका डायनेमिक रेंज, और अगर डायनेमिक रेंज दिखाया तो ये ऐसा है डायनेमिक रेंज। और ये इसमें एक मोड मिलता है थोड़ा सा अल्ट्रा वाइड का, तो फ्रंट कैमरा में, तो ये अच्छा क्वालिटी देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा वाइड हो जाता है। तो इसका कुछ क्वालिटी है इसका फ्रंट कैमरा का 32 मेगापिक्सल पे। और ये रहा इसके अल्ट्रा वाइड कैमरा के, जो कि 1080p 30fps पे होता है रिकॉर्ड। इसका देख सकते हैं आपके सर कैसे स्टेबलाइजेशन है और कैसे क्वालिटी है ओवरऑल। मुझे क्वालिटी वाइज बात करें तो देख सकते हैं उतना कुछ खास तो नहीं है, बट ठीक ठाक है। सो गाइस अब जो वीडियो जो रिकॉर्ड हो रहा है वो नाइट में रिकॉर्ड हो रहा है 4K 30fps पे। और इसका अगर क्वालिटी बात करें तो मैं जूम के दिखाता हूँ आपको क्वालिटी किसका कैसे क्वालिटी आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा जूम की क्वालिटी, बाकी मैं और भी थोड़ा सा नीचे करते हैं यहाँ पर। अब हम फोकस करें अगर वो सामने जो है उस बिल्डिंग की, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं बिल्डिंग को फोकस कर रहा हूँ, ये है 1080p 4K 30fps पे। अगर हम लोग फाइनल कंक्लूजन की बात करें, तो मैंने यहाँ पे दोनों कंपेयर किया है, Realme 9 Pro प्लस 5G में मेरे पास करंटली यूज़ कर रहा हूँ, और ये जो फ़ोन है Realme 11 Pro प्लस 5G। तो दोनों की अगर मैं बात करूँ तो दोनों में ही OIS दिया हुआ ऑलरेडी, और Realme में 9 Pro प्लस में 5G में दिया हुआ 50 मेगापिक्सल कैमरा, और 11 में Pro प्लस में दिया हुआ 200 मेगापिक्सल कैमरा। तो मैं अगर बात करूँ अगर ओवरऑल की पिक्चर क्वालिटी का, तो बहुत जगह Realme 9 Pro प्लस आगे जा रहा है और अच्छा क्वालिटी उसमें परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं बात करूँ वही वीडियोज़ वगैरह में दोनों में कंपेयर किया जाए, तो मैं कह सकता हूँ कि आप कंसिडर कर सकते हैं Realme का जो नया फ़ोन निकला है Realme 11 Pro प्लस 5G, तो आप लोग बिल्कुल ले सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, साथ चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।